हे गाइस व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। होप यू आर फाइन। मैं हूं सत्यजीत, आप देख सकते हो गेमर। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे कुछ दिन से कमेंट आ रहा है वीडियोस के अंदर एंड इवन इंस्टाग्राम के अंदर भी डीएम आ रहा है कि मेरा जो आईडी है वो हैक हो चुका है एंड बहुत सारे लोगों का जो फेसबुक है वो भी डिजेबल हो चुका है एंड अब वो लोग अकाउंट को जो है वो ओपन नहीं कर पा रहे एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे ऐसे कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि अगर आप लोगों का जो अकाउंट है वो डिजेबल होने का चांस है तो आप लोग कैसे उससे बच सकते हो। तो आपका अगर अकाउंट जो है ऑलरेडी हैक हो चुका है तो फिर मैं आप लोगों को तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी तक अगर आप लोगों का अकाउंट हैक नहीं है, आप लोगों का अकाउंट सेफ है तो अभी के अभी जाओ, जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो चीज़ें ज़रूर से कर लेना, अगर नहीं किया है तो एंड अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको उससे नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और हम 50K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये तो कमेंट आ रहा है कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है एंड बहुत सारे लोगों का डीएम भी आ रहा है इंस्टाग्राम के अंदर कि मेरा जो फेसबुक है वो डिसेबल हो चुका है एंड अभी मैं अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का अकाउंट जो है वो डिसेबल हो चुका है तो फिर मैं आप लोगों को कोई भी हेल्प यहां पर नहीं कर पाऊंगा। आप लोग बस कस्टमर सर्विस जो गेम के अंदर होता है उससे ही जाकर हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली हेल्प नहीं कर पाऊंगा या फिर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहां पर जाकर आप कस्टमर सर्विस के लोगों के साथ बात कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को बस मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कि कैसे आप लोग उन सब चीज़ों से बच सकते हो, मतलब हैकिंग होने से, मतलब आपका जो अकाउंट है वो हैक होने से बच सकते हो या फिर आप लोग जो फेसबुक डिजेबल जो प्रॉब्लम है वो उससे बच सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जो हैकिंग वाला जो प्रॉब्लम है उससे कैसे बच सकते हो। तो दोस्तों आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्पैम लिंक के अंदर क्लिक मत करना, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस के अंदर स्पैम लिंक्स होता है, कमेंट के अंदर कभी कभार स्पैम लिंक्स होता है, फ्री यूसी करके आप लोगों का स्पैम लिंक्स होता है तो उसके अंदर आप क्लिक करते हो तो फिर आप लोगों का कभी कभार जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है, ठीक है। एक सिस्टम होता है, ठीक है, आप लोगों का टोटल जो डाटा होता है वो खींच लेता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप लोग वहाँ पर वैसे कोई स्पैम लिंक्स के अंदर क्लिक मत करना। आप लोगों का कोई भी मतलब वेबसाइट बोला जा रहा है कि इसके अंदर जाओ आप लोगों को यूसी मिलेगा या फिर गन का स्किन मिलेगा, उसके अंदर क्लिक मत करना क्योंकि उसको क्लिक करने से भी आप लोगों का जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के अंदर पेजेस भी हैं, ऐसे वेबसाइट भी रेडी हो चुके हैं जो एग्जैक्ट आप लोगों को बैकग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरह ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब बैकग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है उसकी तरह ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो उनके अंदर भी लिंक्स होता है तो उन लिंक्स के ऊपर बिल्कुल भी क्लिक मत करना। गेट ऑफर करके कभी कभार कुछ आप लोगों का लिंक्स होता है, उन लिंक्स पर कभी भी आप क्लिक मत करना, ठीक है। अगर कोई भी ऑफिशियल ऐसा मतलब लिंक होता है कि फ्री में यूसी आ रहा है, फ्री में गन स्किन आ रहा है, तो फिर हम लोग है ना, हम लोग बता देंगे। आप लोग खुद से कुछ भी गलत चीज़ें मत कीजिए, आप लोगों का अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को वार्न किया था एंड फिर भी बहुत सारे लोगों ने किया था, बहुत पहले मैंने बोला था एंड बहुत सारे लोगों ने किया था एंड उन लोगों ने सच में गलत किया था एंड उन लोगों का अकाउंट जो है हैक हो चुका था एंड वो लोग वापस आके मेरे को बोले थे भाई आप लोगों ने सही बोला था, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। और अगर आप लोग अपने मर्जी से अगर हैक करवा लेते हो अपना आईडी को तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, कस्टमर सर्विस खुद भी नहीं हेल्प कर पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं जो फेसबुक डिसेबल जो प्रॉब्लम है उससे कैसे बच सकते हो। कि दोस्तों आप लोगों का अकाउंट जो है कभी कभार ऑटोमेटिकली अब कभी कभार हैक हो जा रहा है, ठीक है। फेसबुक का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अंदर थोड़ा बहुत शायद से गड़बड़ हो चुका है तो एज अ रिजल्ट फेसबुक आईडीज जो है थोड़ा बहुत मे बी इधर उधर गया है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट उन आईडीज को मे बी उन हैकर्स लोगों ने मतलब यूज़ करके देख रहे हैं कि उनके अंदर कोई आईडी वगैरह है कि नहीं। अगर आईडी हो रहा है तो उन आईडीज को वो क्या कर रहे हैं, अपना जो सेकेंड अकाउंट है उसको लिंक कर रहे हैं, सोशल अकाउंट को लिंक कर रहे हैं और फेसबुक अकाउंट को डिसेबल कर दे रहे हैं ताकि आप लोग उस अकाउंट के अंदर एक्सेस ना कर पाओ एंड सेकेंड अकाउंट मतलब सेकेंड सोशल मीडिया अकाउंट जो उनका खुद का होता है उससे वो लोग जो अकाउंट है उसको ओपन कर रहे हैं एंड अकाउंट को किसी और को दे दे रहे हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप लोग कैसे बच सकते हो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाना तो सेटिंग्स के अंदर आप लोग का दो सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐड करने के लिए मौका मिलता है, एक आपका फेसबुक हो जाता है और एक आपका जीमेल प्ले गेम्स होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का फेसबुक से सिर्फ कनेक्टेड है तो आप लोग का प्लस वाला आइकन होगा साइड में तो उसको क्लिक करके आपका जो जीमेल आईडी है वो ज़रूर से अटैच कर लीजिएगा अगर उस जीमेल आईडी के अंदर कोई आप लोगों का कोई और अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। और कोई और अकाउंट होगा तो फिर आप उसको लिंक मत करना, नहीं तो
गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग फेसबुक से अगर लिंक है तो फिर आप लोग यहाँ पर प्लस आइकन को दबाना, दबाने के बाद आप लोग देख लेना कि कोई भी अगर ऐसा जीमेल आईडी है जहाँ पर आप लोगों का कोई भी अकाउंट गेम के अंदर नहीं है, मतलब गेम अकाउंट कोई भी नहीं है, तो वो वाला जीमेल आईडी वहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर जो है लिंक कर लेना, ठीक है। और अगर दोनों ही लिंक है, फेसबुक जीमेल दोनों ही लिंक है, तो फिर ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा दोनों के दोनों ही लिंक करके रखो। अगर सिर्फ फेसबुक लिंक है तो जीमेल करके रखो, एंड जीमेल सिर्फ लिंक है तो फेसबुक करके रखो। आप लोगों को यही मैं प्रेफर करूँगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का जो फेसबुक है वो आपका डिसेबल हो जाता है, ठीक है, हैकर ने हैक कर लिया आप लोगों का अकाउंट एंड आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको डिसेबल कर दिया, तो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे फेसबुक, तो आप लोगों का डिसेबल हो गया, तो एज अ रिजल्ट आप लोग अपने जो प्ले गेम्स का अकाउंट है उसको क्लिक करके आप लोग जो है अपना अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस कर लेने के बाद आप लोग एक काम करना, अनलिंक वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर दबा के आप लोग जो है अनलिंक अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करके अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसको अनलिंक कर देना। मतलब जो वाला फेसबुक अकाउंट आप लोगों का डिसेबल हो चुका है उसको अनलिंक कर लेना। अनलिंक कर लेने के बाद आप लोगों का मे बी 2-3 दिन का या 7 डेज का, सॉरी 7 डेज का टाइम रहता है, 7 डेज के बाद आप लोगों का जो फेसबुक आईडी है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हट जाएगा एंड उसके बाद आप लोग न्यू फेसबुक अकाउंट बना के आप लोग यहाँ पर फेसबुक का अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप लोग दो अकाउंट्स को जरूर से यहाँ पर अटैच करके रखना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक एंड सेकेंडली आप लोग का जीमेल, मतलब प्ले गेम्स, ठीक है। फिलहाल आपकी मर्जी आप क्या करोगे, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग ऐसे अपने जो अकाउंट्स हैं उनको बचा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग मेहनत करके अपने अकाउंट को बनाते हैं, आई रियली अप्रिशिएट टू देम। तो एज अ रिजल्ट आप लोग अपने अकाउंट को बचाओ और स्पैम लिंक्स के अंदर क्लिक मत करो। तो फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।